अरे भाई कहाँ जा रहे हो? वो इस घर के सामने हमने 2 सवारियों को उतारा था। तो क्या हुआ, किराया नहीं दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जो 2 लेडीज हमारे ऑटो में आई थी उनमें से एक अपना ये मोबाइल भूल गई है। अच्छा, वही ना जिन्होंने कला मंदिर सिनेमा हॉल से ये ऑटो किया और अभी अभी यहाँ आई है। हाँ वही, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा, तो फिर लीजिए, आप ही उन्हें मोबाइल दे दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। हम वापस चले? हाँ, चलना चाहिए। वो उसे बिल मंगवा लीजिए ना। पीहू, वापस से हमारा मतलब था अपने ससुराल वापस चलो। वहां पे तुम्हें जो भी शिकायतें हैं हम सब दूर करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी माँ से भी बात करेंगे। पीहू नहीं, आपको मम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके मुताबिक जीने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमें यकीन हो गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारा भला ही चाहते हैं। जरा हम भी तो देखें क्या SMS है जो तुमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करवा रहे हैं। एक मिनट, पहले इस सवाल का तो जवाब दे दो। किसका? इस सवाल का क्या मतलब है? आने से पहले बताया तो था। क्या बताया था? किसको? अरे गुंजन को हमने बताया था हम लंच के लिए डायनेस्टी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। फिर SMS करके क्यों पूछ रही है? आप लोग कहाँ पर हो? आप हमारा फोन दे दीजिए ना अभी। अरे गुंजन को जवाब तो दे दे। तुम कहीं जाने वाली थी ना? नहीं, वो रहने दीजिए। बताया था ना, डायनेस्टी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो अपने पतिदेव के साथ हमारी पीहू डायनेस्टी में लंच कर रही है और हम यहाँ प्यासे खड़े हैं। थैंक यू गुंजन, आपके मोबाइल ने हमें हमारे यार का पता बता दिया। अब हम पीहू के पतिदेव के सामने अपनी प्यास बुझाएंगे। फिर जो होगा वो मेरा नहीं, इस गर्मी का कसूर होगा। संगीता, हमें ना शैल दीदी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें ना अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है। और कमाल की बात तो ये कि जब पीहू अपने ससुराल से आई थी ना, तब भी दीदी इतनी परेशान नहीं थी। लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे राहु केतु दोनों एक साथ उनके पीछे पड़ गए। हमने ना दीदी को इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ दीदी, वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो रहा है। पीहू और दामाद साथ घूमने गए, लेकिन शैल दीदी के चेहरे से तनाव बिल्कुल कम नहीं हुआ। अरे वो किसी को कुछ बताती ही कहाँ है। ऐसे लगता है जैसे उन्हें अकेले ही सारी परेशानियों से जूझने का शौक है। और सच कहे इस तरह से उन्हें देख कर ना हम सबके दिल पर क्या गुजरती है उन्हें कैसे बताएं। क्या झांकी सा बना घूम गया। डोलू जी मम्मी। डोलू ये गन ये कपड़े कहाँ से? ये तो हमें केटी भैया ने दिए है। ये क्या बनाया हुआ है तुम्हें? रचना दीदी का राक्षस। जब रचना दीदी केटी भैया के घर में सो रही थी तब उन्होंने हमें उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। और तब उन्होंने हमें ये गन और ये कपड़े दिए, समझे? रचना केटी के घर पर सो रही थी। वेटर, बिल प्लीज। फाइनली आज आपका फोन तो बजा, वरना हमारे फोन की तो शामत ही थी। मुरली जीजू अभी इसी वक्त अकेले रेस्टोरेंट के बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। मैं भी आ रही हूँ, वेट कीजिए। ये गुंजन को इस वक्त ऐसी क्या जरूरी बात करनी है कि यहाँ आ रही है? अब पीहू, पीहू हमें ऑफिस में एक अर्जेंट फोन करना है, हम आते हैं। अरे इतनी जल्दी आपकी बात खत्म भी हो गई? पूरे दिन में तुमसे कहाँ कोई बात हुई।